नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। सर्दियों की कड़ाके की ठंड, सांप्रदायिकता में बिखरे हुए चुनाव और फर्जी प्रोपेगेंडा, और साथ ही हिंदू मुस्लिम हिंसा का सालों बाद सबसे बुरा दौर, मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों ने अपने 3 महीने के प्रदर्शन के दौरान इन सब चीजों को सहा है। लेकिन दुनिया भर में फैले कोरोना ने अब महामारी का रूप ले लिया है। इस वायरस से करीब करीब पूरी दुनिया ठप हो रही है और भारत में 147 मामले सामने आने का दावा किया जा रहा है। तो ऐसा क्या है कि शाहीनबाग के प्रदर्शनकारी और तमाम शहरों में चल रहे सीए विरोध के प्रदर्शनकारी इस धरने को जारी रखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं? हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि शहर में भीड़ इकट्ठी होने देने से बचे। उन्होंने कहा कि एक जगह पर 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, ये प्रदर्शनों पर भी लागू होगा। लेकिन बावजूद इसके शाहीनबाग के लोगों को अपना धरना खत्म करना वाजिब नहीं लग रहा है। अब तक देश भर के बड़े और छोटे शहरों में शाहीनबाग की तरह दर्जनों बाग सामने आ चुके हैं। शाहीनबाग में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे कई लोगों ने स्वास्थ्य पर खतरे को देखते हुए आंदोलन वापस लेने का आग्रह भी किया है। वही शाहीनबाग के लोगों का कहना ये है कि अभी तक धरना प्रदर्शन वापस लिया जाए इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और दिल्ली पुलिस के वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। इसके साथ ही बेंगलुरु में शाहीनबाग की तरह बिलाल बाग में चल रहे धरने के आयोजकों ने फैसला किया कि वो विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। बिलाल बाग के आयोजकों ने एक बयान में कहा कि चूंकि पहले शाहीनबाग का फैसला सामने नहीं आया, ऐसे में सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री को यह अवसर देते हैं कि वे बिलालबाग की महिलाओं और छात्रों को संबोधित करें और उनकी शंकाओं का जवाब दें, जिससे आंदोलन खत्म करने का रास्ता निकल सके। इस पूरे मामले पर जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने भी अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर के जरिए सामने रखी है। उमर खालिद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आंदोलन हमेशा से देश के हित में रहा है और आपातकालीन स्वास्थ्य परिस्थिति में सावधानियां बरतना भी देश के हित में है। हालांकि शाहीनबाग में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए काफी एहतियात भी बरती जा रही है। पहले के मुकाबले वहां डेस्को का भी इंतजाम किया जा चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि शाहीनबाग के लोग कोरोना की लड़ाई से जीत पाते हैं या नहीं। लेकिन क्या देश भर में फैली इतनी बड़ी महामारी के बीच विरोध प्रदर्शन करना सही है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।